हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 15 लेकर आई हूँ, 15 लेकर आई हूँ। और बच्चों, ये आपकी 9 तारीख की वर्कशीट है, ठीक है। और इसमें क्या दिया है बच्चों? खेलों के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। लिखा है, प्यारे बच्चों, आज हम खेलों के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ खेल हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, इसके लिए भी इसे भी जानेंगे। अब आप निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, इसमें हमारे को खेल का महत्व बताया है कि हमारे लिए खेल कितना महत्व रखते हैं, हमारे लिए खेल कितना ज़रूरी है। कुछ लोग अपने शरीर और मस्तिष्क को तंदुरुस्ती, आनंद आदि के लिए नियमित रूप से खेलते हैं, हालांकि कुछ अपने जीवन के बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए खेलते हैं। कुछ लोग तो बच्चों मनोरंजन के लिए खेलते हैं, ठीक है। कुछ अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को तंदुरुस्त रखने के लिए खेलते हैं, और कुछ लोग नियमित रूप से उसको अपना आधार बना लेते हैं खेल को, कि खेल के माध्यम से ही मैं जीवन में आगे बढ़ना है। कोई भी निजी और पेशेवर जीवन में इसके लिए मूल्य को अनदेखा नहीं कर सकता। पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ था। अब बच्चों, जो अपने खेल को इम्पोर्टेंट देता है तो फिर वो बाहर भी खेलने जाता है, ओलंपिक्स में भी जाता है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको खेलने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें यही बताया, ओलंपिक खेल 1896 में पहली बार आयोजित हुए थे और एथेंस में हुए थे, जो अब नियमित रूप से हर 4 साल बाद विभिन्न देशों में आयोजित होते हैं, 4 साल बाद होते हैं, ठीक है। इनसे इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के खेल शामिल होते हैं। जो ओलंपिक्स के खेल हैं बच्चों, उसमें इंडोर और आउटडोर, यानी कि जो घर के अंदर खेले जाते हैं वो भी, और जो घर के बाहर खेले जाते हैं, दोनों तरह के खेल शामिल होते हैं, जिसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं, ठीक है। कुछ आउटडोर या मैदान में खेले जाने वाले खेल फुटबॉल, हॉकी, बॉलीवुड, बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस, खो खो, कबड्डी आदि, जिन्हें खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता होती है, इन खेलों के लिए, अब जो आपको बताया ना, उन खेलों के लिए क्या मैदान की ज़रूरत होती है, यानी कि घर के बाहर खेले जाते हैं, फुटबॉल, हॉकी, बॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस, खो खो और कबड्डी, ठीक है ना। ये सारे खेल घर के बाहर खेले जाते हैं। आगे लिखा है, इंडोर खेल कौन से होते हैं बच्चों? कैरम, ताश खेलना, शतरंज, टेबल टेनिस और पहेली आदि, ठीक है ना। पहेली पूछ सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, ये घर के खेल होते हैं। आगे लिखा है, खेल गतिविधियों में शामिल होना हमें बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में मदद देता करता है। अब जब हम खेल खेलने लग जाते हैं तो हमारा शरीर जो होता है बच्चों, वो स्वस्थ रहता है, किसी तरह की बीमारी हमें नहीं छू पाती, क्योंकि हम फिट रहते हैं। तो इनसे कौन कौन सी बीमारियों से इसे बचा जा सकता है, जैसे गठिया, मोटापा, हृदय की समस्याएँ, मधुमेह आदि। यह हमें जीवन में अधिक अनुशासित, धैर्यवान, समयबद्ध और विनम्र बनाती हैं। अब बच्चों, हम खेलते हैं तो अनुशासन बनता है। जब भी हम किसी खेल को खेलने के लिए तैयार होते हैं तो हमें एक नियम बनाना पड़ता है कि हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपना शरीर फिट रखना पड़ेगा, जब ही तो हम एक वो कोई खेल खेल सकेंगे। धैर्यवान, हर चीज़ में धैर्य रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। समयबद्ध मतलब समय का पाबंद होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, विनम्र मतलब गुस्से वाला नहीं, शांत, ठीक है। यह हमें जीवन में सभी कमजोरियों को हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है। जब हम खेल खेलने लगते हैं तो हमारा शरीर ठीक रहने लग जाता है और हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। यह हमें बहादुर बनाता है और चिड़चिड़ेपन व गुस्से को भी हटाकर खुशी का एहसास देता है। जब हम रोज़ सुबह एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है, हमारा शरीर फ्रेश रहता है, तो चिड़चिड़ापन होने का तो कोई मतलब ही नहीं है और गुस्सा भी नहीं आता। जब हमारा दिन अच्छा बीतेगा तो कोई गुस्सा क्यों करेगा। यह हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक रूप से आराम प्रदान करता है, जिससे कि हम सभी समस्याओं से आसानी से निपट सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का आपका गद्यांश, बहुत ही आसान था, खेलों पर आधारित था। आप इसके प्रश्न उत्तर मैं करवा देती हूँ आपको। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, पहले ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ था। सबसे पहले वर्कशीट में आपको दिया हुआ है, पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओलंपिक खेल नियमित रूप से कितने समय अंतराल पर आयोजित किया गया था। बच्चों, इसका आंसर भी आपको वर्कशीट में मिल जाएगा, 4 साल के अंतराल पर ये खेल खेले जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हम किन कारणों से खेलते हैं।
आंसर क्या है? कुछ लोग अपने शरीर और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती के लिए, आराम के लिए खेलते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन में बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए खेलते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 4 है, इंडोर और आउटडोर गेम में या खेलों में क्या अंतर है? आपको पता है बच्चों, इंडोर गेम क्या होती हैं? जो घर के अंदर खेली जाती हैं, जैसे कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस आदि। और आउटडोर जो खेल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? जो घर के बाहर खेले जाते हैं, मैदानों में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि। प्रश्न नंबर 5 है, खेल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, कुछ प्रमुख लाभों को लिखिए। खेल हमारे लिए कितने लाभदायक हैं, तो उसमें से कुछ हमें लिखते हैं। पहला नंबर है इसका आंसर, खेल कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ाता है, ठीक है, उसको बढ़ावा देता है। इसका सेकंड पॉइंट है, खेल शारीरिक विकास में मददगार होता है। और तीसरा है, खेल में हम अनुशासित होना सीखते हैं। चौथा पॉइंट है इसका, खेल द्वारा बच्चों का सामाजिक विकास होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।